24 आवर्स में गोवा के ऊपर मानसून एक्टिविटी वीक रहा और वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ, यानी कि 100% ऑफ द स्टेशंस से रेनफॉल रिपोर्ट आए, लेकिन हेवी रेनफॉल कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुआ। हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट हुआ दाबोलिम से 4 सेंटीमीटर्स, मापसा से 3 सेंटीमीटर्स, और बाकी के सारे स्टेशन में जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ वो 1 to 2 सेंटीमीटर के रेंज में रहा। और अगर आज तक के डेट में इस सीजन में टोटल क्यूमुलेटिव रेनफॉल, स्टेट एवरेज रेनफॉल देखिए जून 1 से, तो 1064 mm रेनफॉल हुआ है अगेंस्ट अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 1176 mm, यानी कि अभी जो सीजनल मानसून सीजनल रेनफॉल है जो नॉर्मल से 9% कम है, पिछले ईयर में इसी डेट में यानी कि 2028 जुलाई को ये 26% अबव नॉर्मल था। तो अभी मानसून एक्टिविटी वीक चल रहा है, इसके कारण क्यूमुलेटिव रेनफॉल भी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि फ्रॉम अराउंड 10th of जुलाई मानसून एक्टिविटी एनहेंस होने का पॉसिबिलिटी है। और आज के दिन में जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम है गोवा के वेदर को इम्पैक्ट होने करने के लिए पॉसिबल वन जो है वो ईस्ट कोस्ट में है। कंपैरेटिवली एक वीकर सिस्टम है, एक 3.1 किलोमीटर की हाइट पे एक ट्रफ है जो साउथ ओडिशा, वेस्ट बंगाल से होके कोस्टल कर्नाटका, आई मीन कोस्टल आंध्र प्रदेश तक एक्सिस्ट कर रहा है। और फ्रॉम अराउंड 11th जुलाई लो प्रेशर एरिया इज़ वेरी लाइकली टू फॉर्म नियर साउथ ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट, और जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास पे, तो रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर भी बढ़ने वाला है। तो अगर हम देखेंगे आने वाले दिनों का वेदर फोरकास्ट, तो फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स देर इज़ पॉसिबिलिटी नॉर्थ गोवा एंड साउथ डिस्ट्रिक्ट, वेरी हैवी रेनफॉल मीन्स रेनफॉल एक्सीडिंग 12 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, और ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा फ्रॉम अराउंड 10th जुलाई और आने वाले दिनों में, यानी कि 10th के बाद भी वेरी हैवी रेनफॉल का जो पॉसिबिलिटी है गोवा के ऊपर रहेगा बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया दैट इज़ फॉर्मिंग नियर कोस्टल आंध्र प्रदेश। तो जब ये कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा तो वल्नरेबल एरियाज जो लैंडस्लाइड के लिए, रॉकफॉल के लिए सब वल्नरेबल है, वो एरिया में ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे और रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा फ्रॉम अराउंड 11th of जुलाई ऑनवर्ड्स। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स एंड फॉरकास्ट इश्यूड बाई IMD इन दिस कमिंग डेज। इन शॉर्ट, रेनफॉल एक्टिविटी ओवर गोवा इज़ वेरी लाइकली टू इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 10th of जुलाई। एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के अराउंड नाइबरहुड में फ्रॉम 11th जुलाई। सो फ्रॉम अराउंड 10th द रेनफॉल एक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर गोवा, हेवी रेनफॉल एंड वेरी हेवी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स इज़ वेरी लाइकली ओवर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अराउंड 10th जुलाई ऑनवर्ड्स। और उसके साथ फिशरमैन वार्निंग भी है, जैसे ही मानसून एक्टिविटी स्ट्रेंथन होगा तो विंड स्पीड भी बढ़ने वाला है अलॉन्ग द कोस्ट। सो विंड स्पीड 40 to 50 km/h गस्टिंग अप टू 60 km/h इज़ वेरी लाइकली अलॉन्ग एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ महाराष्ट्र एंड गोवा फ्रॉम 10th जुलाई ऑनवर्ड्स, एंड वो कंटिन्यू रहेगा बाकी के 4 to 5 डेज के लिए। तो फिशरमैन प्लीज़ बी अपडेटेड विद द वार्निंग्स। ये जो हाईलाइटेड एरियाज हैं इसमें फिशरमैन आर एडवाइज नॉट टू वेंचर इन टू दीज एरियाज। इट्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट प्लीज बी पब्लिक एंड फिशरमैन प्लीज बी रेगुलरली अपडेटेड विद फोकस एंड वार्निंग्स इश्यूड बाई IMD इन द कमिंग डेज।